हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युतधारिता। विद्युतधारिता का पहला भाग हमने पढ़ा चुका है और उसके बाद हम लोग दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। हम लोग बात करते हैं सेकेंड वीडियो, समानांतर पटिका संधारित्र। संधारित्र का ये हम लोग सेकेंड वीडियो पढ़ रहे हैं। सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक समानांतर पटिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है एक दो चालक पदार्थ है, एक पी चालक पदार्थ है और एक क्यू चालक पदार्थ है, और दो चालक पदार्थ से मिल करके अगर दो चालक पदार्थ को अगर कुछ दूरी पर इसको रखते हैं तो ये संधारित्र का निर्माण होता है। ऑलरेडी हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं संधारित्र पटिका संधारित्र। ये संधारित्र समानांतर जो पटिका संधारित्र है ये होता क्या है, तो कहेंगे किसी आवेशित चालक के निकट यदि अनावेशित या भिन्न विभव के चालक को इस प्रकार ले जाए कि दोनों चालकों को अचालक माध्यम के द्वारा पृथक रखा जाए तो आवेशित चालक की धारिता में काफी वृद्धि हो जाती है। इसके कहने का अर्थ यह है कि मान लिया कि P कोई चालक पदार्थ है जिस पर आवेश प्लस Q है, P कोई चालक पदार्थ है जिस पर आवेश हमारा प्लस Q है। इस प्लस Q आवेश यानी कि इस चालक के नजदीक अगर किसी अनावेशी चालक पदार्थ को अगर लाते हैं, जैसे Q को हम इसके नजदीक लाते हैं, तो इस संधारित्र का जो निर्माण होता है उसकी संधारित्र में काफी वृद्धि हो जाती है, यानी कि संधारित्र की जो धारिता होती है, यानी कि इसकी चालक की जो धारिता होती है उसमें काफी वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। P और Q दो चालक पदार्थ है, P पर प्लस Q आवेश है और Q पर माइनस Q आवेश है। P प्लेट पर जो इसके आप देख सकते हैं प्लस ये सिग्मा है, प्लस सिग्मा ये बताता है कि ये जो प्लेट है प्लेट का ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी कि धनात्मक प्लेट यानी कि धनात्मक आवेश पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है, और ऋणात्मक आवेश पर ये जो आप देख रहे हैं माइनस सिग्मा, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और दोनों प्लेट को इस तरह से हम रखे हैं ताकि दोनों प्लेटों के बीच में कोई हम कह सकते हैं कि इसमें कोई अचालक यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं है, यानी कि ये जो माध्यम है वो इस माध्यम या तो कह सकते हैं कि वैकम है यानी कि खाली है निर्वात है, या फिर हम कह सकते हैं कुचालक माध्यम, इसको कह सकते हैं कुचालक माध्यम। और जो आवेश माइनस क्यू का है इसको अर्थ से हम अर्थिंग में डाल दिया। जैसे आप देखते हैं कि दो चालक पदार्थ होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाले को हम अर्थिंग दे दिए हैं और दोनों के बीच की दूरी डी है। हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र, गॉस के थ्योरम में बताए थे कि किसी भी प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी प्लेट का अगर विद्युत क्षेत्र अगर निकालते हैं तो कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो इस संधारित्र ये जो है समानांतर प्लेट पटिका का जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी होती है, धारिता हमें निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए दो केस बनता है। सबसे पहला केस एक समान माध्यम के लिए, जैसे ये दोनों प्लेट जो है दोनों प्लेट एक ऐसे माध्यम में रखे हैं कि एक समान माध्यम में हो, यानी कि या तो वायु हो या तो निर्वात हो, माध्यम एक ही हो, तो उस कंडीशन में इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, उस धारिता का मान करते हैं निकालते हैं। तो एक समान माध्यम के लिए की बात करते हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, आप देख सकते हैं फिगर, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तथा विभव भी हो, और इस प्लेट का बीच का जो विभव है भी हो,
तो वी इज इक्वल टू ई इन टू टी हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत विभव में हम पढ़ाए थे एक टॉपिक जिसमें हम बताए थे कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए, वो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। यदि आप वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो विद्युत विभव के भाग को जरूर देखिएगा। तो ये विद्युत विभव भी इज इक्वल टू ई इन टू टी समीकरण एक से भी इज इक्वल टू ई के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं इन टू डी, इसको इक्वेशन दो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं भी इज इक्वल टू ई के जगह पर ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन टू डी, इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश घनत्व तो सिग्मा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है प्लेट है, इस प्लेट पर ये आवेश है, इस आवेश का जो आवेश घनत्व तो है वो सिग्मा है। तो लिख सकते हैं प्लेट के एकांक क्षेत्र पर स्थित आवेश घनत्व तो सिग्मा है। तो जब हम सिग्मा लिख दिए हैं, इसलिए प्लेट के ए क्षेत्र पर स्थित आवेश, हम लोग पढ़े थे आवेश का वितरण, आवेश के वितरण में हम तीन प्रकार के आवेश के वितरण बताए थे, एक रेखीय आवेश का वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण बताए थे। तो रेखीय आवेश घनत्वों के बारे में बता चुके थे, पृष्ठीय आवेश घनत्वों के बारे में बता चुके थे और आयतन आवेश घनत्वों के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो भी आप नहीं देखेंगे तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। हम लोग पढ़े थे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यहाँ पे याद दिलाना चाहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़े हैं एकांक क्षेत्रफल पर आवेशित वितरित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए पढ़ चुके हैं। यदि क्यू निकालना होगा तो सिग्मा इंटू ए, आप देख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी हो, तो हम जानते हैं कि ये समानांतर प्लेट है, संधारित्र है और इस संधारित्र की धारिता अगर हम सी लेते हैं तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, हम लोग संधारित्र की धारिता के परिभाषा के अनुसार हम लोग पढ़े थे इसके फर्स्ट वीडियो में, वो फर्स्ट वीडियो जरूर आप लोग देखिए ताकि ये वीडियो समझने में आसान हो जाए, और कहीं भी दिक्कत होता है तो इसको दोबारा वीडियो देखिएगा ताकि दोबारा अगर आप देखते हैं वीडियो तो और क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक बार में हो सकता है प्रॉब्लम हो तो दूसरे बार में आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ध्यान से अगर वीडियो देखिएगा। तो धारिता सी हो तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए समीकरण दो कॉमा समीकरण तीन तथा समीकरण चार से, समीकरण दो कॉमा समीकरण तीन तथा समीकरण चार से हम देख रहे हैं कि सी इज इक्वल टू क्यू, क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा ए लिख दिए, क्यू के जगह पर क्या लिख दिए सिग्मा ए, और भी के जगह पर आप देख सकते हैं भी इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम भी के जगह पर भी का मान रख दिए समीकरण दो से, और क्यू के जगह पर क्यू का मान समीकरण तीन से रख दिए। तो आप जैसे जानते हैं कि ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी। तो ये जो है संधारित्र की धारिता है, कौन सी संधारित्र की धारिता है, तो कहेंगे समानांतर पटिका संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है, तो कहेंगे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाई ए, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। धारिता ये भी होता है, ये भी संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी है,
ये भी संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी है। जैसा क्वेश्चन दिया रहता है न्यूमेरिकल में उसके अनुसार हम क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं। आप सी इज इक्वल टू क्यू वाई भी कब यूज करिएगा, जब आवेश और विद्युत विभव दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। और जब अगर मान लेते हैं समानांतर प्लेट का एरिया दिया हो और दोनों समानांतर प्लेट का दूरी दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करके इसकी धारिता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो एक समान माध्यम के लिए धारिता का सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं यौगिक माध्यम के लिए, तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने एक समान माध्यम के लिए संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने निकाला है, ठीक उसी तरह से यौगिक माध्यम के लिए भी हमें निकालना है। तो यौगिक माध्यम के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिगर की। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट हैं और तीनों प्लेट में माध्यम अलग अलग है, यानी कि यौगिक है अलग अलग, किसी में निर्वात है, किसी में वायु है, किसी में अवरक होगा, बहुत सारा माध्यम हो सकता है। और तीनों के बीच की जो मोटाई जो है, पहला का डी वन है, दूसरा का डी टू है, तीसरा का डी थ्री है, ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, जिसको अर्थ में हम लगा दिए। अब बात करते हैं यदि दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई क्रमशः, मान लेते हैं इसके और इसके बीच में मोटाई डी वन है, डी टू है, डी थ्री है, डी वन, डी टू एवं डी थ्री है, तथा इनके बीच का विभवांतर, इसका विभवांतर भी वन, इसका विभवांतर भी टू और इसका विभवांतर भी थ्री हो, तो हम अगर कुल विभव की बात करते हैं तो कुल विभव भी इज इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री और इज इक्वल टू भी वन के जगह पर हम भी इज इक्वल टू हम जानते हैं ई इंटू डी। क्या जानते हैं? ई इंटू डी। चूंकि विद्युत क्षेत्र इसका 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 समान होता है तो विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ इसकी मोटाई में परिवर्तन होगा, तो हम लिख सकते हैं ई डी वन प्लस ई डी टू प्लस ई डी थ्री इज इक्वल टू ई, हमारा क्या है तीनों में कॉमन है, कॉमन निकालते हैं ई इंटू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। तो ये हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला है ई इंटू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, यानी कि अलग अलग माध्यम यानी कि यौगिक माध्यम के लिए विद्युत विभव ये हो गया। और समीकरण एक से, समीकरण एक में ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है तो भी इज इक्वल टू ई के जगह पर हम क्या करते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये लिख लेते हैं डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, इसको इक्वेशन फोर कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि यदि इस प्लेट यानी कि ये प्लेट की जो एकांक क्षेत्रफल पर घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो प्लेट के ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश हमारा क्या होगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसको हम फिर से बताना चाहेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं भी का तो वैल्यू निकल गया। प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश घनत्व तो अगर सिग्मा है तो हमारा प्लेट के ए क्षेत्रफल पर अगर इसका प्लेट का ए क्षेत्रफल होगा तो स्थित आवेश हमारा क्या होगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यदि संधारित, यदि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी हो तो C इज इक्वल टू क्यू वाई भी हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम करते क्या है ध्यान से समझिएगा। यदि समानांतर प्लेट की धारिता C हो तो हमारा C इज इक्वल टू क्यू वाई भी, तो इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से कि V का वैल्यू तो निकाल दिए, V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, इसको इक्वेशन फोर कर दिए। तो हमने लिखा कि प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश घनत्व सिग्मा है, मान लेते जिस तरह से इसको हम माने थे प्लस सिग्मा, ठीक, तो ठीक उसी तरह से इसका एकांक क्षेत्र, एकांक प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश घनत्व सिग्मा है, तो एकांक यानी कि एक प्लेट पर हमारा क्या हो जाएगा प्लेट के ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। और यदि समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता C हो तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको हम इक्वेशन
ये तो हमारा हो गया सिक्स, इसको मान लेते हैं सेवन, और इसको मान लेते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी को ये एट इक्वेशन मान लेते हैं। और समीकरण भी लिखते हैं क्या, समीकरण फोर सिक्स है ना, सिक्स समीकरण सेवन तथा समीकरण एट से हम करते क्या है, एट से सी इज इक्वल टू क्या है हमारा क्यू वाई भी, क्या हम करते हैं क्यू वाई भी, तो क्यू के जगह पर हम सिग्मा इंटू ए और वाई भी के जगह पर भी का वैल्यू रखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये करते हैं डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। तो फिर इसको हम करते क्या है, जो कटने वाला रहेगा उसको कटा देते हैं, ये कटेगा सो सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। ये जो है फॉर्मूला किसके लिए है, यौगिक माध्यम के लिए समानांतर पटिका संधारित्र है, यौगिक माध्यम के लिए समानांतर पटिका संधारित्र का फॉर्मूला क्या हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कंपेरिजन करिए, तुलना करिए, आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या चीज में है, डी में, यहाँ पर एक डिस्टेंस है तो डी, यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस है तो अलग अलग डिस्टेंस, यानी कि ये कुल डिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा समानांतर पटिका संधारित्र की धारिता है, ये एक समान माध्यम के लिए है, ये यौगिक माध्यम के लिए। अब बात करते हैं धारिता पर पारा विद्युत का प्रभाव क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं धारिता पर पारा विद्युत का प्रभाव, ध्यान से समझिएगा। इसके बीच में जो माध्यम होता है वो पारा विद्युत माध्यम होता है, माध्यम को हम लोग पढ़े हुए हैं पारा विद्युत, धारिता पर पारा विद्युत का प्रभाव, यानी कि हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसके पहले आप लोग को बता चुके हैं कि विद्युतधारिता, विद्युतधारिता हम लोग पढ़े थे इसके पहले पारा विद्युतांक के को हम लोग पारा विद्युतांक बोलते हैं, पारा विद्युतांक के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है माध्यम का पारा विद्युतांक है, के जो है वो क्या है, माध्यम का पारा विद्युतांक है, और ये जो होता है बीमाहीन होता है, के जो होता है माध्यम का पारा विद्युतांक है ये बीमाहीन होता है, अर्थात के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार K इज इक्वल टू C बाई सी नॉट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं K इज इक्वल टू C बाई सी नॉट कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि इस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि इस प्रकार पदार्थ का पारा विद्युतांक एक कारक है, इस प्रकार पदार्थ का पारा विद्युतांक एक कारक है जिसके द्वारा जब किसी संधारित्र का पटिका, किसी संधारित्र की पटिकाओं के बीच, किसी संधारित्र की पटिकाओं के बीच कोई पारा विद्युत पदार्थ माध्यम में पारा विद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाता है, माध्यम में पूर्णतः भर दिया जाए तो उसकी धारिता का मान निर्वात के मान से वृद्धि हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि के जो है वो पारा विद्युतांक है, ये पदार्थ के पदार्थ पर निर्भर करता है कि जब
किसी माध्यम के बीच में जब इसको भर देते हैं कि पराविद्युतांक को हम किसी माध्यम के बीच में भर देते हैं तो संधारित्र की धारिता का मान निर्वात की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो ये था आपका धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। याद रखिएगा धारिता पर पराविद्युत का क्या प्रभाव होता है, तो कहेंगे जब संधारित्र की पटिकाओं के बीच पराविद्युत पदार्थ को पूर्णतः भर दिया जाता है। जैसे ये जो है आप देख सकते हैं कि ये सब जो पराविद्युत पदार्थ है इसको पूर्णतः भर दिया गया है, तो पूर्णतः जब भर देते हैं तो उसके मान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, आप ध्यान से बोर्ड पे लिखिएगा, लिखे हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये चालक जो है दो प्लेट है, एक पी और क्यू, और इसके बीच में जो दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए, तो हमारा जो धारिता निकला था सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो हम धारिता निकाले थे समानांतर प्लेट पटका के संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि ये संधारित्र की धारिता किस किस चीजों पर निर्भर करती है, तो कहेंगे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ C इज इक्वल टू आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हम देख रहे हैं कि C जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि किसी भी चालक पदार्थ के जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि चालक पदार्थ की एरिया को हम बढ़ाते हैं तो धारिता के मान में संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा कि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जो चालक की धारिता है प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, चालक की क्षेत्रफल पर, यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता का मान में वृद्धि होगा। सेकेंड पॉइंट जो है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, आप देख सकते हैं पहला चालक है, पहले चालक के निकट दूसरा कोई चालक है, अगर दूसरे चालक जितना ही नजदीक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं डी डी, यानी कि जितना ही कम दूरी होंगे उतना ही चालक की धारिता संधारित्र की धारिता में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट में चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, अन्य चालकों की उपस्थिति यानी कि जितना ही निकट होगा डी के मान में उतना ही कमी होगा, और डी का मान जितना कम होगा तो धारिता का मान उतना ही अधिक वृद्धि होगा। और तीसरा हम कह सकते हैं चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति पर, जैसे ये जो चालक है एक पी और एक क्यू है, इसके चारों ओर जो स्थित माध्यम होता है उस माध्यम पर निर्भर करता है। ये माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम वायु है, निर्वात है या फिर और कोई माध्यम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चालक की जो धारिता है प्रभावित करने वाले मुख्य कारक तीन हो गया। पहला जो हम कारक कहेंगे कि चालक की धारिता के क्षेत्रफल, चालक की क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा जो है चालक के निकट चालकों की उपस्थिति पर, चालक के निकट चालकों की उपस्थिति पर। और तीसरा जो है वो कहेंगे चालक के चारों ओर स्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।